क्लास एट पाठ आठ श्रमेव जयते। प्रस्तुत पाठ में परिश्रम के महत्व को दर्शाया गया है। लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह सदैव सुखी स्वस्थ एवं संपन्न रहता है। हरिदासः मोहनपुरे निवसति। हरिदास मोहनपुर नाम के गांव में रहता है। सः नित्यं ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। वह सुबह रोज ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है, सुबह 4 से 5 के बीच का जो सुबह जो मॉर्निंग होती है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वह रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और अपने रोज के जो है शौच जाना, स्नान इत्यादि करना वो काम करता है। नारायणम स्मृति और भगवान का पूजा करता है। तथा परम पशुभ्य घासम ददाति। उसके बाद वो अपने जो पशु हैं जो उसने पाले हुए हैं, गाय बैल भैंस इत्यादि, उनको वो घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छन्ति। और उसके बाद वह अपने पुत्र के साथ अपने खेत में जाता है। तत्र सह कठिन श्रमम करोति। उसके साथ वह खेत में कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृशो प्रभुतम अन्न उत्पादते। वह अपने परिश्रम से जो भूमि से अन्न को उत्पादित करता है। तस्य पशवः अपि हष्टपुष्टः सन्ति। उसके पशु भी काफ़ी हष्टपुष्ट हैं क्योंकि वह समय पर उन्हें चारा देता है। गृहं च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। घर में भी धन धान्य से परिपूर्ण है, मतलब घर में भी संपन्नता है क्योंकि वह मेहनत करते हैं। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धनपतरायः निवसति। उस गाँव में एक जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें धनी एक व्यक्ति होता है। एक होता है जो अपने मेहनत से परिश्रम करके जो है अमीर बनता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो कि उनके पिताजी इत्यादि बहुत ही अमीर होते हैं, जो पुराने धनी होते हैं, उनको बोलते हैं पैतृक धने धनवान। मतलब वो उनके पास पैतृक संपत्ति बहुत ज़्यादा थी, उनका नाम था धनपत राय। गाँव में एक जो है पैतृक संपत्ति से धनवान व्यक्ति धनपत राय भी निवास करते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा पैतृक संपत्ति थी, लेकिन उनका काम सारा नौकरों के भरोसे होता था। मतलब नौकर ही उनके घर में पशुओं की देखभाल करते थे और खेती का काम भी करते थे। सेवका नाम उपेक्षाया तस्य पशवः दुर्बलः क्षेत्रेषु च बीजमात्रम अपि अन्नम नत्य धते। जो नौकर थे, नौकर के भरोसे काम होता था उनका, तो नौकर जो है उनके पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते थे। अतः धनपत राय के जो पशु थे वो काफ़ी दुर्बल हो चुके थे और खेतों में भी बीज भी उत्पन्न नहीं होता। मतलब उनकी खेती इतनी बुरी हो चुकी थी कि वहाँ पर बीज तक वे नहीं उगा पाते थे। क्रमशः तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत। इसके कारण उनका जो पैतृक धन था वो समाप्त हो चुका था। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम अभवत। और उनका जीवन अभावग्रस्त हो गया था। एकदा क्षेत्रात् प्रत्यागत हरिदासः स्वद्वारी उपविष्टम धनपत रायम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा। एक बार अपने खेतों से आते समय हरिदास ने दरवाजे पर बैठे धनपत राय को जो है दुर्बल और परेशान देखा और पूछा, मित्र धनपत राय चिराद दृष्टो असि किम केनापि रोगेण ग्रस्त। धनपत राय, तुम्हारा चेहरा ऐसा लगता है जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो। येन एवं दुर्बल, और तुम बहुत ही दुर्बल भी प्रतीत हो रहे हो। धनपत राय प्रसन्न वदम तम अवदत। धनपत राय ने जो है बोला, मित्र नाहम रुग्ण परम क्षीण विभव। मित्र मैं बीमार नहीं हूँ परंतु बहुत ही परेशान हूँ। इदानीम अन्य इव संचात इदमेव चिंतयामी केनोपायेन मंत्रेण तत्रेण वा संपन्न भवेम। वह अपने मित्र से बोलता है, हरिदास से, धनपत राय, कि ऐसा कोई उपाय जो कोई मुझे बता दे जिससे कि, या कोई तंत्र मंत्र कहते हैं जादू टोना, कोई मुझे बता दे जिसको करके कि मैं अमीर बन जाऊं। हरिदास तस्य दरिद्रस्य कारणम तस्य अकर्मणता इति विचार्य एवं अकथयत। हरिदास जो था वो पहचान गए थे कि इसके जो परेशानी का कारण इसका आलस है और इसकी लापरवाही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरिदास बोले, मित्र पूर्व केनापि दयालुना साधुना मयम एकम संपत्तिकार मंत्रम दत्तः। मित्र, एक बार मुझे एक साधु ने जो है संपत्ति कारक एक मंत्र दिया था,
यदि भवान अपि तं मंत्रम इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठाम आचरतु। यदि तुम्हें भी यह मंत्र चाहिए तो तुम्हें जो है एक साल तक एक अनुष्ठान करना होगा। मित्र शीघ्रम कथय तदनुष्ठाम येनाहम पुनः संपन्न भवेयम। मित्र जल्दी बताओ, मैं उस अनुष्ठान को जल्दी ही पूरा करूँगा। भवेन हरिदास अवदत् मित्रम नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठत स्वपशुराम च उपचर्याम स्वमेव कुरु। मित्र उस अनुष्ठान को करने के लिए तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और अपने पशुओं की देखभाल तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। प्रतिदिन च क्षेत्रेषु कर्माणां कार्यं निरीक्षस्व अनेन तव अनुष्ठान प्रसन्न स महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्ध मंत्रम दास्यति इति। और उसके बाद तुम्हें अपने खुद के खेतों में जा कर के और जो तुम्हारे जो नौकर लोग जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं वो उसका निरीक्षण तुम्हें खुद करना होगा। और उसके बाद ये काम तुम्हें ये अनुष्ठान तुम्हें पूरे एक वर्ष तक करना होगा। उसके बाद जो सिद्ध पुरुष या जो साधु हैं वह तुम्हें मंत्र देंगे। विपन्न धनपत्राय संपत्ति अभिलाषन एक वर्षम एक यथोकत्यम अनुष्ठान अकरोत। संपत्ति की अभिलाषा में धनपत राय ने एक वर्ष तक हरिदास का बताया हुआ उपाय किया। नित्यम प्रातः जागरण तस्य स्वास्थ्यम अवधर्त तेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्था सबला जाता गावा महिष्य च प्रचुरम दुग्धम अयच्छन। धनपत राय रोज सुबह जो है जल्दी उठता, अपने पशुओं की देखभाल करता, खेतों में जाकर अपने नौकरों का काम देखता। उसके कारण जो है उसके पशु बहुत ही हष्टपुष्ट हो गए और प्रचुर मात्रा में दूध देने लगे। तदानी तस्य कर्मकरा अपि कृषि कार्येन सन्नद्ध अभवन। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभुतम अन्न उत्पाद उत्पन्नम गृहम च धन धान्य पूर्णम जातम। उसके बाद वह खुद जाकर के अपने नौकरों का काम चेक करता था तो उसके कारण अब वह स्वयं जाकर अपने जो नौकर थे उनका काम देखता था। उसके कारण जो उसके नौकर थे वो भी बहुत ही अच्छी तरह से खेतों में काम करने लगे और जिसके कारण उनकी जो धनपत राय था उसकी जो भूमि थी वह कृषि बहुत ज़्यादा अन्न उत्पादन करने लगी और वह बहुत ही अधिक जो है जल्दी से वह संपन्न पुनः संपन्न बन गया। एकस्मिन् दिने प्रातः हरिदास क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते दधान प्रसन्न मुखम धनपतरायम अवलोक्य अवदत। एक दिन सुबह सुबह हरिदास अपने खेत में जा रहे थे तो उन्होंने दूध का बर्तन लिए दूध से भरा हुआ बर्तन लेकर आते हुए धनपत राय को देखा और पूछा, अभी कुशलम थे, क्या आप कुशल हो? वर्धते कि तव अनुष्ठान किम तम महात्मानाम मंत्रार्थम उपगच्छावह। क्या आप कुशल हो? लगता है आपका अनुष्ठान चल रहा है तो वो मंत्र लेने के लिए हम महात्मा के पास चलें। धनपत राय प्रत्यवदत। धनपत राय ने उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंत्रम श्रम कृत्वा मम समग्र ज्ञातम यत कर्म एव स सिद्ध मंत्र। मित्र एक वर्ष तक मैंने कठिन परिश्रम किया, उससे मुझे ज्ञात हुआ कि जो है कठिन परिश्रम से ज़्यादा बड़ा कठिन परिश्रम करना ही एक सिद्ध मंत्र के समान है। तस्येव अनुष्ठान मनुष्य सर्वम अभिष्टम फलम लभते। उसके कठिन परिश्रम द्वारा मनुष्य उचित फल को प्राप्त करता है। तस्येव अनुष्ठानस्य प्रभावे संपत्ति अहम पुनः सुख समृद्धम च अनुभवामि। और कठिन परिश्रम करने से मेरे पास संपत्ति भी बढ़ गई और मैं पुनः धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तत श्रुत्वा प्रहस्त संतुष्ट च हरिदासः स्वास्थानाम अगच्छत। और जो है यह सुनकर जो है हरिदास बहुत ही खुश हो गए। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड भी कर दूंगी।